हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विभिन्न मांगों को लेकर पाली जिला परिवहन टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बढ़ते डीजल के भाव व सरकार द्वारा ट्रैफिक नियमों की चालान की राशि घटाने की रखी मांग। कोरोना काल में 3 महीने लॉकडाउन के चलते टैक्सी ड्राइवर को सरकार द्वारा किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं मिलने व दिन ब दिन डीजल के भाव व सरकार द्वारा ट्रैफिक नियमों की चालान राशि के बढ़ोतरी के चलते धंधे चौपट होने पर परिवार को पालन पोषण की समस्या आने को लेकर पाली जिला परिवहन 5 सीटर व 10 सीटर टैक्सी यूनियन कार चालकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन सौंपा। यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद सत्तार पठान ने बताया कि देश भर में कोरोना काल में 3 महीने लॉकडाउन होने की वजह से कार ड्राइवर घर बैठे रहे। इस दौरान सरकार द्वारा सभी को उसमें कुछ सहायता मिल रही थी, लेकिन कार ड्राइवरों को सरकार द्वारा कोई भी सहायता नहीं दी गई। लॉकडाउन हटने के बाद सरकार द्वारा डीजल के भाव में बढ़ोतरी व ट्रैफिक नियमों में भी चालान राशि बढ़ाई गई, जिसके चलते कार यूनियन के लोगों को परिवार को पालना मुश्किल हो गया है। हमारी मांग है कि सरकार द्वारा डीजल के भाव व ट्रैफिक नियमों की चालान की राशि कम करने व टैक्सी ड्राइवर को सरकार द्वारा राहत प्रदान की जाए। अगर समय रहते हमारी समस्याओं को नहीं सुना गया तो आने वाले दिनों में हमें धरना प्रदर्शन करने में मजबूर होना पड़ेगा। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए पाली जिला परिवहन टैक्सी यूनियन अध्यक्ष मोहम्मद सत्तार पठान, इन्होंने ये कहा। मामला ये है जी कि 22 तारीख मार्च को लॉकडाउन हुआ था, उससे करीब करीब 4 महीने हो गए, 4 महीने करीब निकल गए हैं। राज्य सरकार से भी हमने दरख्वास्त की थी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमने, प्रधानमंत्री जी से भी हमने दरख्वास्त की थी और लेटर पेड भी हमने विज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया था। राहत सामग्री के लिए टैक्स फिटनेस इंश्योरेंस की पेनल्टी है, इनको माफ़ कराई जाए और मेन लोनिंग फाइनेंस का जो मोरेटोरी हो रहा है उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको माफ़ कराया जाए। किस्तें नहीं भर पा रहे हैं, हमारा धंधा नहीं है, ना गवर्नमेंट हमें कोई थी, कोई ड्राइवरों को राहत नहीं दे रही है, इसलिए ड्राइवरों के घर की हालात खराब है। जागरूक टीवी के लिए पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट।